ये देखिए इसके बाहर का सीन है, आपको यहाँ पर फलों के ठेले वगैरह दिख जाएंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए खीरे वगैरह भी हैं। इस तरफ रोडवेज है सामने हमारा, और ये सामने कोई सैनिक आराम गृह कनकपुर है। सामने ही रेलवे क्रॉसिंग है, और रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल बराबर में हमारा उत्तराखंड डिपो, मतलब उत्तराखंड का टनकपुर डिपो। सामने नाश्ता वास्ता करने के लिए टनकपुर डिपो उत्तराखंड रोडवेज का एक मंडल है, और यहाँ से हमें हरिद्वार, दिल्ली, बरेली और रुद्रपुर के लिए बिल्कुल अच्छी और स्मूथ कनेक्टिविटी है। लगभग हर एक दो घंटे के बाद में आपको वहाँ के लिए बस मिल जाती है, तो पूरे दिन बसें यहाँ से दौड़ती रहती हैं। रीज़न भी है कि यहाँ पर जो एक एरिया है टनकपुर का, वो प्लेन में है। इसके ऊपर जो लोहाघाट डिपो है उसकी भी समय सारणी यहीं पर है, और इसके अलावा पिथौरागढ़ डिपो है उसकी भी समय सारणी यहीं पर है। वहाँ पर इतने बड़े बस अड्डे नहीं हैं जितना कि बड़ा टनकपुर में है, तो इसीलिए वहाँ की जो बसेज वगैरह भी हैं वो भी यहाँ पर आती हैं और यहाँ के थ्रू ही संचालित की जाती है, क्योंकि ये एक मंडल है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और टनकपुर डिपो आपने कितनी बार आए हैं यहाँ पर, क्या आप कभी बस से आए हैं, आपका कभी आने का प्लान बना है? क्योंकि टनकपुर के लिए जो कनेक्टिविटी है वो स्पेशली जो दी गई है वो माता पूर्णागिरी देवी मंदिर के लिए टनकपुर फेमस है, इस वजह से यहाँ पर बसों के लिए, ट्रेन के लिए भी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आप बताना, क्या आप अभी तक पूर्णागिरी मंदिर आए हैं? अगर आपने माता पूर्णागिरी मंदिर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।